बच्चों हमने मेंडल के तीन नियम पढ़े हैं प्रभाविता का नियम पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्योहन का नियम आज हम उनके एक नियम पृथककरण का नियम का जो है एक प्रयोग के द्वारा सत्यापन करेंगे कि उन्होंने जो पृथककरण के नियम में जो बात बताई थी जो सिद्धांत बताया था वो किस तरीके से लागू होता है इस पर हम बात करेंगे तो पृथककरण का नियम का जो सिद्धांत है वो है क्या एक्चुअली जब हमने देखा था कि लंबे पौधे का जब बौने पौधे से जब क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में तो हमको 100% परसेंट जो है वो लंबे पौधे ही मिले लेकिन जब दूसरी पीढ़ी के लिए जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया यानी कि स्व परागण कराया गया तो जो रेशियो था वो थ्रीज़ टू वन का था यानी कि तीन हिस्सा लंबे पौधे थे और एक हिस्सा जो था वो बौने पौधे का था और ये होता क्यों है क्योंकि गैमेट्स के फॉर्मेशन में यानी पहली जनरेशन के गैमेट्स के फॉर्मेशन में गैमेट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं पृथक हो जाते हैं और कौन सा गैमेट जो है अगली संतति में वो पहुंचता है उसके आधार पर उसका जो है वो फिनोटाइप जो है वो डिसाइड होता है तो ये उनका सिद्धांत था कि गैमिट्स फॉर्मेशन के समय जो है वो गैमिट्स जो वो अलग अलग हो जाते हैं गुणसूत्र जो अलग अलग हो जाते हैं और जीन्स भी अलग अलग हो जाते हैं तो इसको कैसे हम प्रयोग के जरिए समझेंगे इसे देखते हैं हमें जो ज़रूरत है वो दो बीकर की है और इसमें आप जैसे देख रहे हो कुछ पीले रंग के और हरे रंग के क्यूब्स हैं ऑलमोस्ट uh, uh, सारे स्कूलों में एन द्वारा जो है ये उपलब्ध हो गए हैं uh, इसके ज़रिए जो है हम इस नियम को देखेंगे तो हमने uh, जो है ये सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर जो है वो क्यूब्स लिए हुए हैं अब ये जो क्यूब्स हैं वो uh, पहली जनरेशन के गैमेट्स को शो कर रहे हैं यानी जो पेरेंट हैं यानी जनक हैं उनके गैमेट्स को शो कर रहे हैं तो uh, इसमें जो है हम uh, किसी एक बच्चे के द्वारा एक एक जो है इसमें से निकाल के इसके जोड़े बनाएंगे मतलब ये जो है वो क्या शो करेगा पहली जनरेशन को शो करेगा तो इस तरीके से ये जोड़े बनाते जाएंगे एक येलो क्यूब लेना है और एक जो है ग्रीन क्यूब लेना है तो इस तरीके से ये जो हमको जोड़े मिलेंगे वो चौंसठ यानी 64 मिलेंगे इस तरह से जैसे आप ये देख रहे हो कि ये आ, टोटल जो है वो 64 संतति मिली अब इसमें जैसे अब जैसे येलो है येलो जो है वो उसको हम कैपिटल वाई से शो कर रहे हैं और ग्रीन को जो है वो इसको स्मॉल वाई से शो कर रहे हैं तो इसमें कैपिटल वाई जो है वो प्रभावी लक्षण है और ग्रीन जो है यानी स्मॉल वाई जो है वो अप्रभावी लक्षण है तो पहली संतति में हमको जो सारे कैसे मिलेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले ही मिलेंगे यानी कि हंड्रेड परसेंट जो है हमको यदि हम वाय को यानी जो पीला रंग है इसको हम येलो कलर मान लें और बीज का रंग ना और इसको ग्रीन को जो है वो रिसेसिव ग्रीन कलर मान लें तो हमको सब हंड्रेड परसेंट जो है वो कैसे मिले पीले यानी पीले मिले तो ये पहली संतति की पहली पीढ़ी की ये टोटल संततियाँ मिली पहली पीढ़ी में जो आपको रिजल्ट आया हंड्रेड परसेंट जो है वो पीले ही संतति मिलेगी तो इसको जो है आप तो चार्ट में भरें अब हमको क्या करना है चूँकि आप देख रहे हो ये आठ लाइन में अरेंज्ड uh, हैं तो अब आपको क्या करना है कि ये जैसे एक दो तीन चार इधर और इधर का एक दो तीन चार लाइन को आप समेट लीजिए और इधर वाले को भी ऐसे अब आपको फिर से वापस ये दो बीकर में ये दोनों तरह के आपको ये डालने हैं माने बत्तीस पेयर जोड़े कह लें एक बीकर में और दूसरे बत्तीस जो है वो दूसरे बीकर में तो अभी ये जो हमको मिली है ये पहली जनरेशन ये पहली जनरेशन मिली जैसे हमने बत्तीस जोड़े एक बीकर में और बत्तीस जोड़े जो है वो दूसरे बीकर में रखा था और फिर उसके बाद एक एक बीकर से एक एक जो है क्यूब को एक्चुअली आंख बंद करके निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बेहतर तरीके से आएगी देख के निकालेंगे तो वो सही नहीं रहेगा तो मैंडल ने भी जो किया था वो प्रोबेबिलिटी के आधार पे था तो अब देखते हैं कि जो आंख बंद करके एक एक क्यूब निकाल कर जो हमने ये चौंसठ संततियाँ बनाई हैं वो किस तरीके का शो कर रही हैं इसमें जो है हमको तीन प्रकार के संततियाँ मिल रही हैं जैसे ये येलो येलो है और ग्रीन ग्रीन भी है और येलो ग्रीन भी है तो जो दोनों येलो है वो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई को शो करेगा दोनों ग्रीन जो है स्मॉल वाई स्मॉल वाई को शो करेगा और येलो और ग्रीन जो है वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यानी वो संकर संतति को वो शो करेगा अब ये जो चौंसठ संततियां हैं इसमें हम गिनती करते हैं कि जो दोनों येलो हैं वो कितने हैं आप इसमें जैसे काउंट करेंगे तो पहली लाइन में ये एक है दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह यानी दोनों येलो जो हैं उनकी संख्या कितनी है सत्रह है ऐसे ही ग्रीन को देख लेते दोनों ग्रीन कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तो दोनों ग्रीन भी कितने हैं सत्रह हैं और येलो ग्रीन कितने होंगे आप माइनस कर लेते हैं सेवनटीन आपके दोनों येलो हैं सेवनटीन जो है दोनों ग्रीन हैं तो थर्टी जो है वो हमारे येलो और ग्रीन होंगे अब आप इसको मैंडल के हिसाब से कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए कि ये चौंसठ संततियां हैं माने हम इसको चार भागों में बांटेंगे तो 16 16 16 16 का रेशियो आएगा अब ये जो रिज़ल्ट आए इनको हम मेंडल के हिसाब से सोचने का प्रयास करते हैं मेंडल ने जो बताया था वो जो था वन 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 का ही था रेशियो तो कह लो लेकिन उसमें से जो है थ्री पार्ट जो था वो अपने को प्रभावी लक्षण वाला मिला था और वन पार्ट जो है वो अपने को अप्रभावी लक्षण वाला फिनोटाइप मिला था यानी थ्री इज टू वन का रेशियो था अब यहाँ पर हम इसको देखें कि जो येलो मतलब जो प्योर येलो आया यानी दोनों में जो कैपिटल वाई है ये जो हमको सत्रह मिले और दोनों ग्रीन जो थे यानी दोनों स्मॉल वाई जो थे वो सत्रह मिले और येलो वाई येलो ग्रीन जो थे वो थर्टी मिले तो सत्रह और तीस को आप जोड़ोगे तो ये फोर्टी सेवन आएगा एक्चुअली आना क्या चाहिए था सोलह या अड़तालीस मतलब थ्री रेशियो इसका कितना होगा अड़तालीस इस टू सिक्सटीन होगा तो यहाँ पर uh, जो है वो वेरिएशन जो है uh, आता ही है uh, उनका भी जो रिज़ल्ट था वो थ्री इस टू वन का हंड्रेड uh, परसेंट नहीं था कहना चाहिए कि कहीं कही ना कहीं उसमें टू पॉइंट नाइन 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 टू पॉइंट नाइन फाइव टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट इस तरीके का भी था तो यहाँ भी जो हमको ये जो मिला रिजल्ट एक्चुअली जो है ये प्रोबेबिलिटी के आधार पर है और मैंडल ने भी जो रिज़ल्ट दिए थे वो उनकी जो प्रोबेबिलिटी जो संभावनाएं उनको जो दिख रही थी जो दस हज़ार पौधों पर जो प्रयोग किया था तो उन संभावनाओं के आधार पर उन्होंने जो वो नियम बनाया था कि गैमेट्स uh, के फॉर्मेशन के समय जो वह जोड़ियाँ जो है यानी जीन्स की जोड़ियाँ जो है वो टूटती हैं यानी कारकों की जोड़ियाँ टूटती हैं लेकिन फिर जब फ्यूशन होता है यानी गैमेट्स का फ्यूशन होता है तो फिर वो जोड़ी जो है बन जाती है अब गैमेट के फ्यूशन uh, के समय यानी कौन सा कारक uh, जो आ रहा है उस पर उसका फिनोटाइप जो है वो डिपेंड करता है तो यहाँ मतलब है युग्मकों की जो है वो शुद्धता बनी रहती है इसी आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो नियम दिया था तो इस तरीके से ये जो हमको रिज़ल्ट मिले हैं ये हमने एक बार किया है आपको इसको लगभग आठ बार करेंगे तो थोड़ा जो है रिज़ल्ट के हम करीब आ पाएंगे तो इस तरीके से जो है नियर अबाउट आपको जरूर मिलेंगे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे थ्री टू वन का जो रेशियो है वो लगभग लगभग आपको मिलेगा तो और जो ये जो आपका चार्ट दिख रही है इस आधार पर हम जो रिज़ल्ट आपके आएंगे आप उसमें उसको भरेंगे और इसमें अपने दोस्तों के साथ चर्चा भी करिए कि इस तरह के रिज़ल्ट जो है वो किस कि संभावना क्या है और आठ बार करने के बाद आपको क्या किस तरीके के रिज़ल्ट मिलेंगे तो उस पर भी आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए